एक शख्स बड़ा गुनाकार उसका इंतकाल हो गया मरने के बाद उसको किसी ने खाब में देखा कि तुम्हारे साथ क्या मामला हुआ अल्लाह ने मुझे बख्श दिया तुझे कैसे बख्श दिया वो तो बड़ा गुनाकार था माजरा ये गुनाकार तो बहुत था एक बार मेरी बीवी ने खाना बनाया उसमें नमक बहुत ज्यादा था बड़ा गुस्सा आया जी चाह के इसको सजा दू यही प्लेट उठा के इसके मुंह पर मार दूं हो सकते यहां भी कुछ ऐसे शेर बब्बर बैठे होंगे कि जरा सी गलती हुई नहीं और या तो बर्तन मार दिया या गाली दे दी या माद अल्लाह बुरा भला कह दिया एक बात बताओ यार बीवी से शादी की है कंप्यूटर से शादी की है गलती हो सकती है उससे तुमसे और मुझसे नहीं होती हम नहीं करते गलतियां यही ख्याल उस शख्स के दिल में आया कि यार बीवी ने एक गलती की है मुझे सजा देने को जी चाह मैं भी तो अल्लाह की बारगाह में रोज गलतियां करता हूं वो तो मुझे सजा नहीं दे रहा गुनागार शख्स कहता मैंने कुछ नहीं कहा बीवी को चुपचाप मैंने खाना खाया जितना खाना था और खड़ा हो गया माफ कर दिया मरने के बाद मुझे बताया गया कि मेरा बंदा होकर तूने बंदी को माफ किया था मैं तो सबसे बड़ा माफ करने वाला हूं जा मैंने तेरे सारे गुना माफ कर दिए यह है अल्लाह की बारगाह में पसंदीदी कामल माफ करें दरगुजर करें हर बात पर टोकोगे हर बात पर लड़ोगे तो फिर घर नहीं चलना कितना बढ़ गया डायवोर्स का रेशियो बुजुर्ग बैठे हैं जमातों में बाकायदा मीटिंगें हो रही हैं कि भाई कोई ऐसा फॉर्मूला लाएं, कोई ऐसी ऐसा सेमिनार करें कि समझाएं भाई तलाक नहीं होनी चाहिए ये बर्दाश्त खत्म होता जा रहा है ना तो दरगुजर करें माफ़ करें और प्यार से रहें अल्लाह ताला हम सबके घरों को खुशियां नसीब फरमाए जोड़ों को सलामत रखे आपस में मोहब्बत और प्यार और उलफत के साथ रहना नसीब फरमाए